बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे। तो सबसे पहले आज का जो वेदर है वो आप देख रहे हैं कि बादल भी आए हुए हैं और साथ साथ में थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक छोटी प्याली साबूदाना की ली है और इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। और अभी मैंने जो पैन रखा है बनाने के लिए, तो उसमें मैंने एक पाइंट वाटर डाल दिया है और उसमें मैंने जो साबूदाना लिया था जो पानी में भिगो कर रखा था वो डाल दिया है। इसका यही मतलब होता है कि अगर अब पानी में थोड़ा सा ये फूल जाता है और जल्दी गल भी जाता है। और एक पाइंट मैंने दूध लिया है, तो ये दूध भी अब मैं उस साबूदाना में डाल दूँगी। और ज़्यादा देर तक आप इसको उबालें, इतनी देर तक उबालें यानी कि उसकी जो साबूदाना की वो थिकनेस आ जाए, तो फिर वो सही मज़े का बनता है। तो साथ साथ में चम्मच हिलाते रहें ताकि गुटलियाँ ना बन जाएं। अगर आप चम्मच का स्टॉप कर देंगे तो फिर उस तरह का वो साबूदाना नहीं बनेगा, अंदर से वो गुटलियाँ बन जाएंगी। और एक प्याली मैंने शुगर की ली है और थोड़ा सा सैफ्रान लिया है। अगर आपकी अपनी चॉइस, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर ना डालना चाहें तो इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सबका बेहद शुक्रिया कि जो आप मुझे इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और जो मैंने शुगर ली थी वो भी इसमें मैंने ऐड कर दी है। शुगर हमेशा याद रखें कि एंड पे डालें जब ये रेडी होने वाला हो, क्योंकि सम टाइम शुगर अगर आप पहले डाल देंगे ना तो वो ज़्यादातर चिपक जाती है। तो अगर आप इसमें नट्स भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि मैंने इसमें नट्स पहले नहीं डाले क्योंकि हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता, तो एंड में मैं मतलब जो डेकोरेशन उसकी होगी ना उस पर मैं गार्निश के लिए कर दूँगी। तो अभी यहाँ पर देखें कि साबूदाना जो है ना वो रेडी हो चुका है। तो अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी और साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।